वाले राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले का रविवार को पारंपरिक रस्मों के साथ शुरू हुआ। मेले का शुभारंभ उपायुक्त विवेक भाटिया और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के उपरांत शुरू हुआ। इस अवसर पर सैकड़ों स्थानीय गणमान्य व प्रबुद्ध जनों को पगड़ी पहनाकर पारंपरिक रस्म अदा करने के पश्चात मंदिर परिसर में नंदी की प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर मेले के मुख्य आकर्षण पैराग्लाइडिंग जॉय राइडिंग का भी मंदिर परिसर में शुभारंभ हुआ। ढोल नगाड़ों और नरसिंगा और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के सामंजस्य में भव्य शोभा यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर से मेला स्थल तक निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। लुहणू स्थित मेला स्थल पर खूंटा गाड़ ने बैलों के पारंपरिक पूजन और राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले का ध्वजारोहण करने के पश्चात विधिवत रूप से मेले का उद्घाटन हुआ। मेले के उद्घाटन भाषण में संबोधित करते हुए अध्यक्ष राज्य स्तरीय नलवाड़ा मेला एवं उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा कि मेले त्योहार और पर्व हमारी प्राचीन परंपराओं और लोक संस्कृति के परिचायक हैं। संस्कृति का परिचायक है मेलों के आयोजनों से, जहां हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का प्रचार प्रसार व संवर्धन होता है, वहीं राष्ट्रीय एकता सद्भावना जो भाईचारा है, बंधुत्व है, इन सब भावनाओं को भी बल मिलता है। आज बिलासपुर नलवाड़ी मेला, आज दूसरा नलवाड़ी मेला हमें आयोजन करने का शुभ मौका मिल रहा है। जब पिछली बार इसकी हमने परिकल्पना की थी तो हमने कहा था इसको नए सिरे से हम इसको सोच, पर इसको एक लोगों के त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए पिछली बार का हमारा जो थीम था, जो ध्येय था, जो केंद्र बिंदु था इस पूरे मेले की, जो थीम था वो था लोगों का त्यौहार, पीपल्स फेस्टिवल। इस बार का जो हमारा थीम था, जो आप देख भी रहे होंगे, हमारी एड्स भी आ रही हैं, अलग अलग माध्यमों से प्रचार प्रसार भी हो रहा है। इस बार का जो थीम था उसको हमने सर्वदृष्टिया, संस्कृत में बोलते हैं, वो इस बार का थीम है, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है हर नज़र से, अ कंकॉक्शन ऑफ पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग दृष्टिकोणों का समावेश। हर मेले में कुछ ना कुछ नया करने की चेष्टा और आकांक्षा हम सबको रहती है। दिव्यांग जन है, उनको भी मेला देखने का शौक है, उनके लिए भी कुछ होनी चाहिए। ये सारे थीम्स को इकट्ठा करके हर वर्ग के लिए इस बार एक दीर्घा, एक अलग अलग बैठने की जो व्यवस्था हमारी कल्चरल फेस्टिवल में होती है वो की गई है, और उन सब की नीड्स को, उन सब की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस बार उस तरह से आयोजन करने की कोशिश हमने की है। जाहिर सी बात है कोई कमी महसूस हो। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से रिशु प्रभाकर की रिपोर्ट।